नहीं की जाती है, घर कब तोड़ेंगे, परसों सवारी है, सवारी निकाल के निकालो। ये भड़काऊ बयान सामने आया है महाकाल नगरी उज्जैन से, जिसमें युवक खुलेआम धमकी दे रहा है कि दम है तो सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाल के दिखाओ। आपको बता दें कि हाल ही में फिजियोथेरेपिस्ट लड़की के साथ हुई मारपीट के बाद युवक की ये धमकी आई। वायरल वीडियो में युवक कह रहा है कि जिसने जरीन खान के साथ मारपीट की है उसका घर गिराओ, नहीं तो महाकाल की सवारी निकाल के दिखाओ। तो वहीं हिंदू संगठनों ने भी युवक के इस धमकी पर पलटवार करते हुए कहा है कि मामला मारपीट का है, किसी का मकान नहीं टूटेगा। दरअसल कल देर शाम फिजियोथेरेपिस्ट युवती से छेड़छाड़ की घटना के बाद मुस्लिम समाज ने एसपी ऑफिस पहुंचकर जमकर नारेबाजी की थी। इस प्रदर्शन को कांग्रेस का भी समर्थन हासिल था। विरोध के दौरान धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों में से एक युवक ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर मारपीट करने वाले आरोपियों का घर नहीं गिराया तो सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाल के दिखाओ। वहीं युवक की इस धमकी भरे बयान के बाद हिंदूवादी संगठन में आक्रोश देखने को मिला। मुस्लिम जेंट्स और लेडीज मंदिर के समीप बातें कर रहे थे या कुछ गलत हरकत कर रहे थे, तो वहाँ के जो रहवासी उनने उसका विरोध किया, तो वहाँ पे एकदम झगड़ा हुआ। मारा कुट्टी हुई, हमने वीडियो भी देखे हैं। तो पुलिस को प्रकरण दर्ज करना था मारपीट का, तो पुलिस ने प्रकरण दर्ज कौन सा खोल दिया, छेड़खानी का 354 में। तो ये तो सरासर अन्याय है। तो आखिर पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है, एक तो वो हमारा इशू है। दूसरा, यहाँ पे कुछ लोग कांग्रेस के नेता लोग और कांग्रेस की नेत्री और मुस्लिम समाज के साथ यहाँ आ गए थे और उनका घर तोड़ने के लिए अड़े हुए थे। तो इतनी छोटे से विवाद में घर तोड़ने का मुद्दा तो बनता ही नहीं है। और ख़ास करके मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूँ, एक कांग्रेस की नैया ऐसे ही डूबेगी और कोई हिंदू उनको वोट नहीं देगा, क्योंकि मामला तो हिंदू मुसलमान का था ही नहीं, एक एक्सीडेंट था, झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया तो उनको आना ही नहीं था। तो कांग्रेस किसके साथ है ये बताए, क्या वो स्पष्ट करना चाहिए, क्या वो मुस्लिम लीग है या उसे हिंदुओं के वोट चाहिए ही नहीं, ये तो हमारा दुर्भाग्य है। उसके बाद सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि यहाँ पे एक कोई दो कौड़ी का टपोरिया भगवान महाकाल की सवारी को चैलेंज करने ही करे, उसकी औकात इतनी बढ़ गई। इस विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेत्री नूरी खान भी मौके पर मौजूद थी। वहीं जब उनसे महाकाल की सवारी को रोकने की धमकी का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती है। कितना सहमत है अगर ऐसा किसने बोला उसको आइडेंटिफाई किया जाए, हम सब उसके साथ नहीं, आपके साथ अगर नहीं, देखिए मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैं अंदर थी साहब के पास। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बात किसी को भी करनी चाहिए। अगर किसी ने भी किया है और कोई प्रूफ है तो उस पर कार्यवाही की जाए स्वतंत्र। कल जिस प्रकार की घटना हुई, एक महिला के साथ मारकूटी हुई है, उसमें जितने दोषी अपराधी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और इस तरीके की जो घटना है ये अशोभनीय है। किसी महिला के साथ में इस तरह का बर्ताव करना ये शोभा नहीं देता। जिस प्रकार से अन्य कार्रवाइयाँ होती हैं उनके ऊपर भी ऐसी कड़ी कार्रवाई सबके ऊपर करनी चाहिए। वह इस मामले पर SP सचिन शर्मा ने कहा है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे थे, फिर अलग अलग समुदाय द्वारा थाना घेरा गया था, उसके बाद आज भी कोई प्रतिनिधि मंडल आपसे मिला है, तो कुल मिलाकर क्या है पूरा मामला अभी तक? उज्जैन जिले के थाना खारकुआ अंतर्गत एक घटनाक्रम सामने आया था, जहाँ पे टंकी चौक में एक फरियादिया के द्वारा ये बताया गया था कि वो फिजियोथेरेपिस्ट है और उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट और छेड़खानी करी है। इसके आसपास के वीडियो का अवलोकन किया गया और साक्ष्यों के आधार पर इसमें जो मुख्य आरोपी है उसको अभिरक्षा में लिया गया है। इसमें तथ्यात्मक जांच हो रही है और बच्ची के जो न्यायालयीन कथन है वो यथाशीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है, मेडिकल इसमें करा लिया गया। फिजियोथेरेपिस्ट युवती से मारपीट मामले में खुलासे के बाद अब कहीं न कहीं मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। हिंदू संगठनों ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस की वजह से ये मामला हिंदू मुस्लिम का बना। वहीं मुस्लिम युवक का धमकी भरा वीडियो सामने आने के बाद ये मामला और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर महाकाल नगरी उज्जैन का ये बवाल कब थमेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए उज्जैन से विशाल सिंह की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।